विधायक जी, जैसे आपका बयान आया है कि हनुमान चालीसा सभी जगह होना चाहिए, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, मेरा कहना ये है, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पढ़ें, किसी को परेशानी क्या है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो सड़कों पर पढ़ें, गलियों में पढ़ें, वो रेलवे ट्रैक पे पढ़ें, वो जाके हेलीपैड पे पढ़ें और हाईवे पे पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने में ऐतराज क्यों किसी को? अरे एम्बुलेंस को रोक के हनुमान चालीसा पढ़ें, बसों को रोक के हनुमान चालीसा पढ़ें, राजधानी को रोक दिया जाए, हनुमान चालीसा पहले पढ़ा जाएगा, इससे तो हमारा फायदा, ये नुकसान क्या है? अब मस्जिद के बाहर जो नमाज पढ़ रहे हैं लोग, उनके लिए क्या कहें? मेरा उनसे कहना ये है कि इन विवादों से मुसलमान बचें, कोशिश ये करें कि मस्जिद के बाहर नमाज ना पढ़ें। मैं जानता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, जब मस्जिद के अंदर जगह ख़त्म हो जाती है, जब भी हम लोग सड़क पर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को अगर कोई एतराज़ है तो हमें ऐसी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जिसकी को किसी को एतराज़ हो। मेरा मानना यह है कि हम मस्जिदों में पढ़ें, अगर मस्जिदों में जगह ना हो तो अपने घरों में पढ़ें, अपनी गलियों में पढ़ें, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त कोई विवाद पैदा हो और किसी हिंदू भाई को नाराज़गी हो, मैं समझता हूँ ये चीज़ अच्छी नहीं है। और ये हमारे उलमाओं ने भी कहा है कि अपने अपनी मस्जिदों में पढ़ो, अपने अपने घरों में पढ़ो, अगर किसी हिंदू भाई को ये एतराज़ है, क्योंकि पहले का दौर तो नहीं रहा जब हम लोग नमाज पढ़ते तो हिंदू भाई हमारी रक्षा करते थे, अब बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं है, तो कुछ दिन इंतज़ार करें, जब वो दिन नहीं रहे तो नफरत के दिन भी नहीं रहेंगे। प्रशासन का क्या रवैया आपको देखने को मिल रहा है, बकरीद करीब है इस चीज़ में? प्रशासन परेशान है बेचारा, प्रशासन तो ये चाहता है कि अच्छी तरह से नमाज भी हो, अच्छी तरह से पूजा भी हो, लेकिन कुछ लोग नशे के चूर में हैं इस वक्त सरकार के, तो उनकी अपनी सरकार है, अब वो जैसा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को चलना पड़ेगा, प्रशासन तो परेशान है।